तो क्या उनके गृह क्षेत्र में किसी का आने की परमिशन नहीं है? राजनीतिक है ये, राजे रजवाड़ों के, राजे महाराजाओं के रजवाड़े नहीं हैं जो काबिज होके लोग बैठे, जनता का मत है। तो कौन सी इनेलो और जेजेपी जो ही देवीलाल की विचारधारा से बट गई, बीच में सरकारें टूटती है उसको भी स्थायी करने के लिए मुझे लगता है ये जरूरी है कि इस तरीके से चलिए। अच्छी बात है, तो क्या उनके गृह क्षेत्र में किसी का आने की परमिशन नहीं है? राजनीतिक है ये, राजे रजवाड़ों के, राजे महाराजाओं के रजवाड़े नहीं हैं जो काबिज होके लोग बैठे, तो जनता का मत है, जनता जिसको ताकत देगी, जिसको मजबूती देगी वो आगे बढ़ेगी। दो दिन पहले जैसे गृह मंत्री ने सवाल किया था कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव नहीं, चुनाव की तैयारियां नहीं बल्कि जेल जाने की तैयारियां कर रहे हैं, क्या इस तरह की संभावना है? जो लिटिगेशन है जुडिशरी जब उन पर निर्णय लेगी, मुझे लगता है अंडर ट्रायल मामलों में पॉलिटिकल लोग से ज़्यादा आपको सवाल जुडिशरी से पूछने चाहिए कि क्यों डिले आ रहा है, क्यों फैसले नहीं हो रहे, हम तो उस पर निर्णय नहीं कर पाएंगे, कोई अपराधी है उसको सजा मिले। ना तो मुझे पता उनके केस का स्टेटस क्या है और ना मैं इस पर ज़्यादा टिप्पणी कर पाऊँ। मोखरा पे जितना अधिकार आप जता रहे हैं इनेलो के नेताजी इस तरह, तो कौन सी इनेलो और जेजेपी जो ही देवीलाल की विचारधारा से बट गई, एक देश एक चुनाव की जो बात है आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? हमने तो 2022 में भी इलेक्शन कमीशन पर इस विषय पर चंडीगढ़ आई थी, पार्टी की तरफ से खुल के कहा कि एक देश और एक चुनाव होना चाहिए, इससे जहाँ सरकार के खर्चे तो बचेंगे वहाँ पॉलिटिकल पार्टीज के भी खर्चे बचेंगे। आज लोकसभा के 6 महीने बाद विधानसभा है, पॉलिटिकल पार्टीज को उन प्रदेशों में 1 साल चुनाव लड़ना पड़ता है। राजस्थान में आज चुनाव शुरू हो गया, नवंबर में ख़त्म होगा, मार्च में फिर चुनाव आ जाएगा, उनको 10 महीने चुनाव लड़ना पड़ेगा। जब एक देश में एक चुनाव होंगे तो क्षेत्रीय दलों को मुझे लगता है कि आज जहाँ लोग बड़ी पर्ची छोटी पर्ची में मतभेद रखते हैं, क्षेत्रीय पार्टियों को भी आपकी पार्लियामेंट में नुमाइंदों को भेजने में स्टेट इलेक्शन के साथ कंजुकेटिव होते ही लाभ मिलेगा, हमारी बातें नुमाइंदे चुनकर ज़्यादा प्रदेशों की बातों को केंद्र में भेजें। कैसे संभव हो पाएगा बीच में सरकारें टूट जाती हैं? संविधान के अंदर संशोधन आए 2/3 बहुमत से और फिर 50% राज्य की विधानसभा अप्रूव हो पाए तो ही मुमकिन हो पाए। बीच में सरकारें टूटती है उसको भी स्थायी करने के लिए मुझे लगता है ये जरूरी है कि इस तरीके से एक देश के अंदर एक चुनाव, स्टेबिलिटी लाने का काम।